आज भी लोग शादियों में परिवार ही तो, अब तो खैर नौकरी देखते हैं सरकारी। पहले 50 साल पहले अपने घर में जाना पूछना, 50 साल पहले 60 साल पहले, एक तो लड़की का लड़के का घर अगल बगल होना चाहिए, अगल बगल गांव में होना चाहिए, और दोनों के घर में अच्छे खासे मेंबर्स होने चाहिए कि जब खेतों के लिए झगड़ा हो तो दोनों परिवार इकट्ठा हो जाए लाठी चलाने के लिए। हमारे झगड़ा होता तो मामा लोग आते थे सब 25-30 लाठी वाठी ले गए। पहले लाठियां चलती थी, 315 का जमाना नहीं था 1960-70 में, जब चकबंदी होती थी, चक डिफाइन किए जाते थे कि कौन सा खेत किसका है, तो जो ज्यादा ताकतवर होता था वो सड़क के किनारे का खेत लेता था, ज्यादा फर्टाइल खेत लेता था, उसमें झगड़ा होता था। जो गांव में ताकतवर है वो ज्यादा खेत लेगा और ज्यादा अच्छा खेत लेगा। भाई गांव में ऊसर जमीन भी तो होती है। तो मान लो मेरे घर में 25 फैमिली है, 25 मेंबर है फैमिली मेंबर, और मेरे ससुराल में 35, तो 25 और 35 60 आदमी लाठी लिए खड़े हैं कि करो चकबंदी। गांव वाले कह रहे नहीं भैया इनका सही है, बढ़िया आदमी भी हैं, इनका ये वाला खेत सही है। शादी से ताकत बढ़ रही है। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, कौन जाता था रॉबर्ट वाड्रा को? बट दिस सिस्टम बिकेम द रीजन फॉर द बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। क्यों? अब इनका लड़का है कुरू का, इनका लड़का है जॉनी लीवर की तरह। अब वैसे तो जॉनी लीवर जी बहुत अच्छे इंसान है और मेरे लिए तो खैर वरदान है, क्योंकि मैं 2-3 लोगों को देखता हूं, एक चार्ली चैपलिन को देखता हूं, देखना ही देखना है दिन में एक बार, एक जॉनी लीवर को। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को हंसाना दुनिया में धर्म है? यहां सब दूसरे को दुखी करने के चक्कर में कि तुम्हारी आंखें छोटी है, अरे यहां हर आदमी दूसरे को दुखी करने के चक्कर में, बाल झड़ रहे हैं तुम्हारे, झड़ने दो, झड़ जाएंगे तभी तो फ्रांस जाएंगे, पेरिस ट्रांसप्लांट कराएंगे यहां तक बाल, फिर अगली बार ऐसे क्लास लेंगे। जो चीजें दोबारा आ सकती हैं उन पे क्या दुख हो ना, फर्जी परेशान। लड़के लगा रहे हैं शहद और हल्दी चेहरे पे, कह रहे चमक आती है, यहां चमक हल्दी और शहद से आई है, पावर से आई है, पावर से चमक आती, पावर से। देखो मोदी जी कैसे चमक रहे हैं। भाई और बहनों, ये लेटर वैदिक पीरियड है। अब इनका लड़का है जॉनी लीवर की तरह और इनकी लड़की है ऐश्वर्या राय की तरह। अब अगर ये पीएचडी है संस्कृत से, आईएएस ऑफिसर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर, जो भी है, और तब इसके सामने चॉइस शादी की रखी जाएगी, ये नहीं करेगी, नहीं करेगी। इसलिए स्त्री चाहती कि मेरा आदमी मुझसे हर चीज में आगे हो, हाइट अच्छी हो उसकी, भले मेरी हाइट छोटी हो उसकी अच्छी होनी चाहिए, जिगरा ज्यादा हो, दौड़ा ले किसी को भी, पैसा तो खैर ऐसे आदमी पास होगा ही। तो अब फिर तो ये मैरिज गोत्र सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम वुमेन लॉस्ट एजुकेशनल राइट्स। दो लोगों की एजुकेशनल राइट छीनी गई इस पीरियड में, एक शूद्रास की, एक वुमेन की। वो किसने वापस की? इंडिपेंडेंट इंडिया ने। बात कनेक्ट हो गई ना? वुमन बिकेम एन ऑब्जेक्ट फॉर व्हाट? टू स्ट्रेंथन द स्टेटस ऑफ द फैमिली। तो जब वो ऑब्जेक्ट बन गई, और अगर किसी को इस्तेमाल करना है तो उसे कमजोर रखना होगा। अपने नौकर को आईएएस की तैयारी करवाओगे? आईएएस बन जाएगा तुम्ही से बर्तन धुलाएगा वो।
तो अब औरत को कमजोर करना बहुत जरूरी था, तो क्या किया, उसकी एजुकेशनल राइट छीन ली।